नीरू किचन में आपका स्वागत है। मैं नीरू आज आपको चने की, आलू प्याज सब डाल के चने और चावल की तहरी हल्के मसाले में लाइट वेट बना के आपको दिखाऊंगी और उसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो आप चने की तहरी ट्राई करिएगा। ठीक, आइए दोस्तों चने की तहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। चने की तहरी बनाने के लिए हमने लिया है, उसको तड़का देने के लिए दो प्याज, कुछ लहसुन की कलियां हैं, दो मिर्च लिया है। आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं, अपने अनुसार जो चाहिए कर लीजिएगा। एक छोटा मीडियम आलू लिया है, आलू डालने से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी चने और चावल की ही मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आलू भी डाल के, कभी कभी आलू भी डाल के मैं बनाती हूँ। तो ये आलू है, आलू लिया है, एक टमाटर डालूँगी, टमाटर एक या दो डाल सकते हैं आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हो चने की, चना और चावल जिस हिसाब से रख रहे हो उस हिसाब से इन सब चीज़ों का बढ़ा घटा दीजिएगा। और बाकी कुछ गरम मसाले, जैसे एक ये गरम इलायची मैंने ली, बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, तेज़पत्ता लिया है, और लौंग लिए हैं दो, लौंग की कलियाँ, बाकी कुछ ऐसे गरम मसाले हैं, इसको मैं ऐसे ही फ्राई करने में डालूंगी। बाकी इन सब चीज़ों को, जो प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, इन सबको मैं ये चॉपर ली हूँ, इस चॉपर में चॉप करूँगी, महीन पीसूँगी नहीं, बस महीन चॉप कर लूँगी। इसमें डालने के लिए मैं चावल ली हूँ, चावल मैंने लिया है ढाई मुट्ठी करीब, आपको जिस क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। और एक बाउल मैं ली हूँ चना, भीगा हुआ चना है ये काले वाले चने हैं जो भी, उसको मैं भिगा के रखी थी, ये अंकुरित भी हो गए हैं, तो मैं इसका तहरी बनाऊँगी। तो आइए दोस्तों इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। काले चने की तहरी बनाने के लिए मैं जो प्याज लहसुन और मिर्च ली हूँ उसको मैंने ऐसे चॉपर में काट लिया है, अब इसको मैं महीन चॉपर से ही चॉप कर लूँगी और फिर उसके बाद फ्राई करूँगी। दोस्तों मैंने देखिए प्याज और लहसुन को चॉपर की मदद से बारीक, बहुत ना महीन की हूँ ना मोटा, थोड़ा सा दरदरा टाइप का ही, ऐसे ही अच्छा लगता है तहरी में, बहुत मिक्स मसालेदार ऐसे ग्रेवी ग्रेवी नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं इस टाइप से ही डालती हूँ। देखिए ये हमारा चॉप हो गया है, ये मैंने आलू को भी कट कर लिया है ऐसे पीसेज में, और ये मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया है। अब हम अपना काले चने की तहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हम गैस को ऑन करते हैं, गैस का फ्लेम जल गया, अब इसके ऊपर अपनी कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये हमारी कढ़ाई चढ़ गई, अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, हम सरसों का तेल में ही बनाते हैं। आपको जो तेल, जो ऐसा भी आपको जो तेल मन हो, ऑलिव ऑयल, सरसों ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जो भी डालना हो, आप जो खाते हो देसी घी, उसमें आप तहरी बना सकते हो, वैसे मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है दोस्तों, मैं उसमें डालूंगी सरसों का तेल, सरसों का तेल एक से डेढ़ दो चम्मच डाल देंगे। तो दोस्तों मेरा सरसों का तेल गर्म हो गया है, उसमें मैं डालूंगी पहले जो मैंने थोड़े से खड़े मसाले निकाल के रखे थे, मैं उसको डालूंगी। ये देखिए खड़े मसालों को मैं पहले डालूंगी, फ्लेम को मैंने धीमा कर दिया है, नहीं तो बहुत गर्म हो जाएगा तेल। उसमें मैं जीरा ऐड करूंगी, ये मैंने उसमें एक चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद कलछल से थोड़ा सा चलाएंगे, फिर जो मैंने प्याज और लहसुन और मिर्च अदरक को सबको चॉप किया था, मैं उसको इसमें डाल दूंगी तेल में। अब इसको तेल में डालने के बाद चलाऊंगी और ब्राउन होने तक इसको
भूनूंगी। फिर थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें ऐड करूंगी। अभी इसको हम भूनना, इसको भूनते हैं। ना बहुत जलाएंगे, ना बहुत कच्चा रखेंगे, इसको ब्राउन, हल्का ब्राउन मैं भून लेती हूँ। हमने मसाले में जो आलू कट करके मैं रखी थी उसको मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद मैं उसमें डालूँगी अपना चना। थोड़ा सा उसको भूनूंगी दोनों को। फिर उसमें डालेंगे जो धुले हुए चावल में रखी थी धुल के। ये चावल मैंने धुल के पहले ही रख दिया था 5 मिनट के करीब। उस चावल को मैं डालूंगी इसमें। अब इनको मैं अच्छे से थोड़ी देर 2 मिनट तक भून लूंगी। ये हमने चावल, चने, आलू सबको थोड़ी देर भून लिया 2 मिनट करीब। और उसमें मैं डालूंगी टमाटर, और टमाटर को भी एक आध 2 मिनट तक भूनूंगी जिससे टमाटर थोड़े से गल जाए। एक मिनट तक हमने टमाटर भी डाल के भून लिया है। अब हमारा सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे पानी और नमक। हमारी तहरी में मैंने पानी डाल दिया है। पानी मैं थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रेवी वाली तहरी बनानी है। और इसमें मैं डालूँगी नमक, खाने वाला नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, जैसा आप, आपके घर में खाया जाता हो, आप जैसा पसंद करते हो। ये हमने नमक डाल दिया है। अब हम इसको ढक देंगे, बीच बीच में आके इसको चलाएंगे एक दो बार और इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम आके बीच बीच में अपनी तहरी को चलाएंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर में, एक एक दो दो मिनट, दो मिनट के बाद, दो ढाई मिनट के बाद देखेंगे कि कैसे चला देंगे। देखिए ऐसे, और फिर उसको ढक देंगे ऐसे। फिर हम ढक के इसको पकने देंगे। यहाँ हमारी तहरी कैसी बनी है ये देखिए। ऐसे बहुत सूखी सूखी हमको नहीं अच्छी लगती। ये देखिए, ये अब हम इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। एकदम बढ़िया बन गया। अब आप इसको थोड़ी सी धनिया, हरी धनिया से गार्निश करके खाने के लिए सर्व कर सकते हैं सलाद और दही के साथ। इसमें देसी घी डाल के सलाद और दही के साथ तहरी को खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये है हमारी पौष्टिक काले चने की तहरी जो बनके रेडी हो गई है। तो दोस्तों हमारी तहरी बनके एकदम रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। थोड़ी सी देसी घी ऊपर से डाल दीजिए। और इसका टेस्ट लीजिए। ये आपके लिए दोस्तों।
ये हमारी तहरी की थाली तैयार है।